जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। हम अब तक बात कर रहे थे कि शनि मेष लगन के अंदर किस भाव में बैठकर क्या रिजल्ट देगा, जिसमें अभी तक हमने बात की पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे भाव के अंदर शनि के फल कैसे होते हैं। अब हम बात करेंगे कि शनि यदि आपकी कुंडली के अंदर, यानी मेष लगन की कुंडली यदि आपकी है और शनि आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो वो आपको कैसा परिणाम देंगे, उनकी स्थिति, उनकी दृष्टि आपके जीवन में क्या प्रभाव देगी। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के लिए शनि को 10वें और 11वें घर की जिम्मेदारी मिली है, यानी कर्म और लाभ की जिम्मेदारी मिली है। जहाँ पहले कर्म भाव है, बाद में लाभ भाव है। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि यदि कर्म नहीं होगा तो लाभ नहीं मिलेगा। अब ये कर्म और ये लाभ डिपेंड करता है आपकी कुंडली के अंदर शनि की स्थिति पर कि ये शनि आपको क्या देंगे। पहला, शनि कहाँ बैठे हैं उसका रिजल्ट, कहाँ के मालिक होकर बैठे हैं उसका रिजल्ट, किसके साथ हैं उसका रिजल्ट, कहाँ देख रहे हैं उसका रिजल्ट, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कि शनि वक्री होंगे तो क्या होगा, शनि अस्त होंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले समझिए कि शनि पंचम भाव में बैठा। शनि आपके लगन मंगल का लगन है, मेष लगन है आपका, और मंगल के शनि मित्र नहीं है, क्योंकि मंगल और शनि में शत्रुता है। और यहाँ शत्रुता कहीं ना कहीं ग्रहों के स्वभाव में बहुत ज़्यादा है। कि मंगल अगर जोशीला है, जल्दबाज है, क्रोधी है, तो शनि उतना ही गंभीर है, शांत है। स्वभाव में दोनों मैलफिक हैं, यानी स्वभाव में दोनों ही ग्रह कहीं ना कहीं अशुभता रखते हैं। वही अशुभ ग्रह शनि पंचम भाव में बैठा है, क्योंकि शनि को विलंब का कारक भी कहा गया है। तो बहुत बार ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि शनि यहाँ संतान तो देते हैं, लेकिन संतान में किसी ना किसी प्रकार की देरी होती है। अब वो देरी किसी भी प्रकार से हो सकती है। कभी कभी क्या, लोगों ने कहा जी हमें तो पहली संतान हो गई, हमें तो देरी नहीं हुई। पता लगा दूसरी संतान के लिए उन्होंने 5 साल बाद ट्राई किया, फिर वो ट्राई करने पर संतान नहीं हुई, तो 8-9 साल बाद दूसरी संतान हुई, या पहली ही संतान प्राप्ति में देरी होनी शुरू हो गई। यानी संतान से रिलेटेड कुछ ना कुछ विलंब है, क्योंकि शनि विलंब का कारक है। शिक्षा करने जाओगे तो शिक्षा क्या होगी, स्लो स्लो चलेगी, धीरे धीरे चलेगी। बुद्धि भाव में शनि बैठा है तो क्या होगा, बुद्धि को थोड़ा स्लो कर देगा। आप बड़ा धीरे धीरे सोचेंगे, धीरे धीरे उस पर वर्क करेंगे, काम तो करेंगे, निरंतरता तो पूरी रहेगी, मेहनत तो पूरी रहेगी। वहीं शनि अगर वक्री होकर पंचम भाव में हो जाता है, तो ये बिल्कुल बहुत बार देखा गया है, खास तौर पे महिलाओं की कुंडली में, कि ऐसी महिलाओं को संतान प्राप्ति होने में कठिनाई, बाधा का सामना करना पड़ता है। चाहे वो विलंब हो, चाहे वो सर्जरी से संतान हो, चाहे वो अबॉर्शन हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ देखा गया है। 5वें घर में शनि बैठता है और यह है सूर्य की राशि। सूर्य की राशि एक तकनीकी राशि है, सूर्य की, वहाँ शनि बैठा। तो बहुत बार ऐसे लोगों को हमने देखा है कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, या हिस्ट्री ज्योग्राफी के सब्जेक्ट पढ़ने लगते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, स्टैट्स पढ़ते हैं। अब यहाँ पर शनि वक्री होके इसके ऊपर अशुभ ग्रह का प्रभाव हो, जैसे राहु केतु एसस मंगल का प्रभाव आ जाए इसके ऊपर, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, सूर्य इसके प्रभाव आ जाए, तो सूर्य इसे देख लिया, सूर्य इसके साथ हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, फिर व्यक्ति पूर्ण टेक्निकल एजुकेशन पढ़नी शुरू कर देता है। पूर्ण टेक्निकल एजुकेशन जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, मैथमेटिक्स है, BSc कर लेगा, ऑनर्स कर लेगा, या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लेगा, इस तरीके की पढ़ाई करता है। अब 5वां घर विद्या, बुद्धि, शिक्षा, संतान का तो है ही है। अब 5वें घर में शनि जैसा अशुभ ग्रह बैठा है, इसको कहते हैं कि ये आपके लगन से पंचम है और दशम से अष्टम है। यानी जब आपको शनि से संबंधित दशांतर दशा आए, तो थोड़ा सा आपको अपने डिसीजंस पर ध्यान देना है, कि व्यापारिक डिसीजन, नौकरी के प्रति डिसीजंस ऐसी स्थितियों में वे कभी कभी नकारात्मक हो जाते हैं, व्यक्ति की खुद की गलतियों की वजह से उसको नुकसान हो जाता है। बहुत बार ऐसा देखा कि लोग बाग ऐसे समय में रिजाइन कर देते हैं, अपने मुंह से कुछ ऐसी बात निकाल देते हैं कि दूसरे लोगों को पता लगती है, आपने किसी के लिए नेगेटिव कही, आपके साथ वाले व्यक्ति नहीं उसके पास वो बात पहुंचा दी, तो क्या हुआ, एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि आपकी वजह से आपका नुकसान हो गया। ये दशम और पंचम का संयोग है, यानी जो आप देख रहे हो, जो आप सीख रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो, उसे अपने कार्य क्षेत्र में आप इस्तेमाल करोगे। सूर्य इसके साथ है तो बहुत सुंदर धनी हो गए, लेकिन ये सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए। अगर ये सूर्य से अस्त है, तो फिर पंचमेश पंचम में सूर्य अपनी ही राशि में बैठेगा, तो बुद्धि और ज्ञान तो बहुत होगा, लेकिन कर्म क्षेत्र उतना नहीं फल पाएगा। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, किसी को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है और आपका सिलेक्शन नहीं होता। यानी कहीं ना कहीं आपका कर्म भाव का स्वामी कमजोर है और बुद्धि का स्वामी मजबूत है। वहाँ अगर सूर्य से ये अस्त नहीं है, तो
तो आप ये समझिए कि सूर्य शनि का योग महाधन योग के रूप में है, जो आपको विद्या बुद्धि शिक्षा ज्ञान कार्य क्षेत्र के बल पर आगे बढ़ाएगा। वहीं शनि यहाँ से बैठकर लाभ स्थान को देख रहे हैं, इसका मतलब किसी न किसी प्रकार से लाभ के सिम्पटम्स बनेंगे, किसी न किसी प्रकार से सोर्स ऑफ इनकम शनि की दशांतर दशा में बनेगा। बहुत बार ये भी देखा जाता है कि शनि की 7.5 या 2.5 आती है, तो भी शनि की स्थिति को हमें देखना चाहिए कि कुंडली में शनि कहाँ है, तब जाके हमें उसका पूर्ण विचार करना चाहिए। शनि के सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, सप्तम पे शनि की दृष्टि खराब मानी जाती है, ये आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी या विलंब देने में भी सक्षम होती है। बहुत बार हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट्स भी देने में सक्षम होती है। अगर सप्तम भाव का स्वामी शुक्र भी पीड़ित है, तो आप ये समझिए आपका मैरिड लाइफ कहीं ना कहीं बहुत बेकार होती चली जाएगी। पहले तो शादी नहीं कराएगा, शादी कराएगा तो शादी के बाद प्रॉब्लम हो जाएगी। शनि का सेकंड हाउस से संबंध बनाता है एक सुंदर धन योग, क्योंकि शनि कर्म का मालिक भी है, लाभ का मालिक भी है, पंचम लक्ष्मी स्थान में बैठा भी है और दूसरे घर को दृष्टि भी देता है। इसका मतलब शनि की ये स्थिति आपके जीवन में सूटेबल है, बस ये शनि अस्त नहीं होना चाहिए, इस पर पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए। इस पर जितने शुभ ग्रहों का संबंध होगा, जैसे मान लीजिए इसके साथ शुक्र बैठ गया, इसके साथ चंद्रमा बैठ गया, इसके साथ सूर्य बिना अस्त किए हुए बैठ गया, बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई, तो इस शनि के अंदर बल बढ़ता चला जाएगा। फिर ये शनि आपको अपनी दशा के अंदर, कहते हैं ना कि शनि ने मुझे बहुत कुछ दिया, शनि ने मुझे राजा बना दिया, तो यही अब शनि राजा से रंक कैसे बनाएगा, यहाँ पर शनि अस्त हो जाए, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, 6-8 12 से संबंध हो, तो ऐसा शनि चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा और व्यक्ति जीवन में बार 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 गलती करके अपने जीवन को हर बार पीछे ले जाएगा। तो ये सारी स्थितियाँ मैंने आपको बताई कि शनि अगर पंचम भाव में बैठे किसी भी स्थिति में तो आपको क्या परिणाम देगा। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।